नमस्कार मित्रों, उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पूर्व कहा था कि हम कई सारी लाइव क्लासेस के साथ में आने वाले हैं, और उसी कड़ी में आज से मैंने प्रयास किया है कि आपके बीच में नियमित रूप से रूबरू हुआ जाए। एक्चुअल में हमें क्लासरूम के लिए, हमारे मोबाइल ऐप के लिए लगातार रिकॉर्डिंग की भी ज़रूरत थी, तो ये स्टूडियो उसमें भी काम आ रहा था। लेकिन आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमने इस स्टूडियो के अलावा तीन और स्टूडियो बना दिए हैं। तो जी हाँ, उत्कर्ष क्लासेस के पास अभी हमारे चार चार डिजिटल क्रोमा स्टूडियो है, जिसमें कई सारे कैमरामैन्स, वीडियो एडिटर्स वगैरह सब लोग हैं। तो ये मैंने एक स्टूडियो जो है वो लाइव क्लासेस के लिए समर्पित किया है, और इन लाइव क्लासेस में आने वाले दिनों के अंदर जो कंपटीशन नज़दीक है उनकी कक्षाएं हम ज़्यादा चलाने वाले हैं। जैसे अभी संगणक और सूचना सहायक की भर्ती आ रही है, तो संगणक और सूचना सहायक के लिए अभी स्पेसिफिक उनकी क्लासेस दिन भर में ज़्यादा रहेगी और उनको हमने फोकस किया हुआ है। लेकिन कई क्लासें ऐसी होगी जो सबके लिए काम आएंगी। जैसे मैं अभी राजस्थान कला संस्कृति पढ़ाने वाला हूँ, वो ऑल संगणक, सूचना सहायक इत्यादि सभी बैच के विद्यार्थियों के लिए काम आएगी। इसी प्रकार वो RS वगैरह के लिए काम आएगी। राजस्थान का इतिहास चलेगा, जैसे राजकुमार जी सर लेंगे, है ना, भारतीय संविधान, राजव्यवस्था डॉक्टर दिनेश गहलोत सर लेंगे, शिखा मैडम ने अभी जो करण जी के की क्लास ली। तो कुछ कक्षाएं ऐसी होगी जो सबके लिए कॉमन है, इसलिए आपको वो देखते रहना है लगातार। तो उत्कर्ष क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आज सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक लगातार हमने लाइव क्लासेस रखी है। आने वाले दिनों में हिंदी की भी क्लास होगी, इंग्लिश की होगी, शिक्षा मनोविज्ञान की होगी, स्कूल मैनेजमेंट की होगी, सभी की कक्षाएँ होने वाली है। जो क्लास चल रही है उसको आप पूरे भाव के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, पूरे दिमाग के साथ देखिए। जो क्लास नहीं चल रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट करना, चिंता करना वो मत कीजिए, ठीक है मित्रों। आज मैं राजस्थान की कला संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूँ, और एक टॉपिक वाइज कई तो ऐसे होंगे मैं मिक्स में ही पढ़ाऊँगा, लेकिन आज मैं एक टॉपिक को शुरू करूँगा और अगले 1 घंटे हम उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न जो हैं, 5 से 10 प्रश्न केवल उस एक टॉपिक से रिलेटेड पूछते हैं, और मैं कई सारी जानकारी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको देने वाला हूं। तो मित्रों, आज जो मैं टॉपिक राजस्थान कला संस्कृति का लेने वाला हूं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वो मैं लूँगा। कुछ बच्चे नमस्कार कर रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम है। सभी का मैं कमेंट्स देख पा रहा हूं, तो सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, जय श्री राम सबको, थैंक यू। तो देखिए पहले टॉपिक देखते हैं, बीच में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। तो हाँ, दिनेश चौधरी जी, टॉपिक वाइज लेंगे, चिंता मत कीजिए। मैं अभी पहले राजस्थान के त्यौहार ये टॉपिक लेने वाला हूँ। मित्रों, त्यौहार टॉपिक पढ़ने से पहले आपको कुछ भारतीय महीनों के नाम पता रहना चाहिए। पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ, राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। तो सबसे पहले त्यौहार याद करने के लिए आपको भारतीय महीनों के नाम आने चाहिए। अगर भारतीय महीनों के नाम नहीं पता है तो आप त्यौहार को रटना पड़ेगा, याद नहीं होगा। तो मेरे साथ सब लोग कमेंट में जल्दी जल्दी से टाइप करते रहे, रिप्लाई देते रहे भारतीय महीनों के नाम। सबसे पहला नाम कौन सा है जी? चैत्र। दूसरा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कई लोग, वैशाख। फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद को भादवा भी कहते हैं, आश्विन, आश्विन या आसोज एक ही बात है, आश्विन। फिर कार्तिक, मार्गशीर्ष या मिक्सर, पोष, माघ और फाल्गुन। तो मित्रों, सबसे पहले ये 12 महीनों के नाम आपको पता रहना जरूरी है। 12 महीनों के नाम अगर आपको पता है तो बहुत इजीली, बहुत अच्छे बच्चे अच्छे से कमेंट्स कर रहे हैं, सबको पता है। अगर इनको मोटे रूप से अगर समझें कि अंग्रेजी महीनों के आसपास ये कब आएंगे, तो आपको पता होगा चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, जहाँ से नववर्ष प्रारंभ होता है, भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है, वो कभी कभी मार्च का लास्ट वीक या और बाकी बचा हुआ हिस्सा उनका अप्रैल के अंदर रहता है ना। तो मोटे रूप से अगर मित्रों अगर हम देखें तो चैत्र जो है वो
थोड़ा सा मार्च और अप्रैल इस टाइप से रहता है। मैं इसका कृष्ण पक्ष जो रहता है चैत्र का, वो थोड़ा मार्च में रहता है, लेकिन नववर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को प्रारंभ होती है। क्लियर? तो इसी टाइप से इसको आगे देखें तो ये अप्रैल मई में लगभग वैशाख है, ठीक है, थोड़ा सा ये मई जून ये ज्येष्ठ है, ये आगे आगे जैसे कार्तिक है, अक्टूबर नवंबर। आरएस में प्रश्न पूछा गया था कि इस वर्ष पुष्कर का मेला कब भरेगा, और पुष्कर का मेला आपको पता है कार्तिक पूर्णिमा को आता है, और कार्तिक पूर्णिमा कब है, कार्तिक पूर्णिमा है कार्तिक का अंतिम दिन, तो कार्तिक का अंतिम दिन कब होता है, नवंबर में। तो ये आरएस प्री में क्वेश्चन आया था। तो मित्रों ये भारतीय महीनों के इर्द गिर्द जो है आपको ये भी पता रहना चाहिए कि इनके अंग्रेजी महीने कौन से पड़ते हैं। जैसे ये फाल्गुन है तो थोड़ा फरवरी थोड़ा मार्च, ये लगभग फाल्गुन में रहेगा। तो पहले तो हो गए 12 महीनों के नाम, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पोष माघ फाल्गुन। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर है 12 महीने। अब हर एक महीने के अंदर पक्ष होता है, दो पक्ष, एक तो शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। मित्रों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का क्या कंसेप्ट है जरा ये समझने की कोशिश करना। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। मित्रों चंद्रमा जो पूरा दिखाई देता है वह तिथि क्या कहलाती है, चंद्रमा पूरा दिखाई देता है वह तिथि क्या कहलाती है। बिल्कुल सही, पूरा चंद्रमा दिखाई दे दिया वह तिथि कहलाती है पूर्णिमा। क्लियर? पूर्णिमा के पश्चात चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे कम होती जाती है, तो चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे कम होती जाती है मतलब अंधेरा पग शुरू होता है, तो उसको हम कहेंगे कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, कृष्ण पक्ष। क्लियर? कृष्ण पक्ष को आगे से इस टॉपिक में मैं क्री डॉट प लिखूंगा, शॉर्ट में क्री प लिखूं तो समझ लेना कृष्ण पक्ष के लिए बोल रहा हूं मैं। तो कृष्ण पक्ष की कुल 1 से 14 तारीख होती है, और कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, एकदम ब्लैकिश है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, और वह तिथि चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसको कहते हैं मित्रों क्या, बिल्कुल सही, अमावस्या। अब वापस अमावस्या के पश्चात चंद्रमा की कलाएं दिखना प्रारंभ होगी, तो अमावस्या के पश्चात जो चंद्रमा की कलाएं दिखना प्रारंभ होगी इसका मतलब शुक्लता प्रारंभ हो रही है, शुक्लता प्रारंभ हो रही है मतलब शुक्ल पक्ष, चांदना पक्ष जिसको हम कहेंगे, तो शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को आगे से इस टॉपिक में मैं शू डॉट प से शो करूंगा। क्लियर? और 1 से 14 तारीख इनकी रहेगी शुक्ल पक्ष की, और वापस शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूरा चंद्रमा दिख जाएगा तो वो रहेगा पूर्णिमा का महीना। कृष्ण पक्ष को मित्रों बदी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और शुक्ल पक्ष को सुदी भी कहते हैं, सुदी। क्लियर है? तो बदी सुदी। अब पूर्णिमा के पश्चात वापस बताओ क्या शुरू हो जाएगा, कृष्ण पक्ष। क्लियर? कृष्ण पक्ष की 1 से 14 तारीख, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखेगा, वह तिथि क्या कहला देगी, अमावस्या। इतना मेरे ख्याल से सबके दिमाग में फिट हो गया होगा, इतना सबको समझ में आ गया है क्या, बताओ यस और नो, रिप्लाई करिए, इतना समझ में आ गया है सबको। तो मैं फिर प्रश्न पूछूंगा इसमें से, मान लीजिए उदाहरण के लिए मित्रों, मैं उदाहरण के लिए पूछ रहा हूं, मान लीजिए उदाहरण के लिए ये पूर्णिमा जो है आपकी वो श्रावण की पूर्णिमा है, तो इसके आगे कृष्ण पक्ष की एकम किसकी होगी। मित्रों श्रावण की पूर्णिमा के पश्चात, श्रावण पूर्णिमा का मतलब हो गया श्रावण पूरा हो गया, अब कृष्ण पक्ष शुरू जो होगा तो श्रावण के बाद होता है भादवा, तो ये भादवे की कृष्ण पक्ष की एकम से 14 है, ये अमावस्या भी भादवे की है, ये शुक्ल पक्ष की एकम से 14 भी भादवे की है, और ये पूर्णिमा भी भादवे की है। पूर्णिमा को पूरा चांद दिख गया, चांद पूरा दिख गया मतलब कि महीना पूरा हो गया। क्लियर? तो पूर्णिमा को पूरा चांद दिख गया, महीना पूरा हो गया, तो यहां पे भादवा पूरा हो चुका है, तो भाद्रपद पूर्णिमा के बाद में नेक्स्ट डे कौन सा आएगा, पूरा महीना तिथि पक्ष तीनों बताइए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। भाद्रपद पूर्णिमा के बाद में ये जो आएगा पूरा महीना पक्ष तिथि कौन सा आएगा, भाद्रपद पूर्णिमा के बाद नेक्स्ट डे पूरा बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले, कौन रिप्लाई करता है, देखता हूं मैं। परी मोइल कह रहे हैं डार्क कलर कीजिए, डार्क कलर भी कर देंगे, अभी पूरा उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कोई भी। हाँ कोमल ने सही बताया, आसोज की कृष्ण पक्ष की एकम, बिल्कुल सही, कई बच्चों ने अब सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही। तो ये जो है भादवे के बाद में आश्विन या आसोज,
उसकी कृष्ण पक्ष की एकम ये रहेगी। क्लियर है? तो सिंपल सा मैं कुछ चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, उसका लेके आप मुझे रिप्लाई करेंगे। क्लियर? रिप्लाई करेंगे। सबसे पहला मेरी बात इससे रिलेटेड है, उसके बाद हम त्यौहार शुरू करेंगे। कोई भी महाप्रारंभ जो होता है, महाप्रारंभ कह रहा हूं, वर्ष प्रारंभ नहीं कह रहा हूं, ठीक है? वर्ष जो प्रारंभ होता है, नव वर्ष प्रारंभ, नव वर्ष प्रारंभ, ये मैं अलग से लिख देता हूं, चैत्र शुक्ला एकम या चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से होता है। मैं कह रहा हूं कोई भी महाप्रारंभ कब होता है? कोई भी महाप्रारंभ होता है मित्रों कृष्ण पक्ष की एकम से। ध्यान रखिए, पंचांग के अनुसार कोई भी महीना प्रारंभ कब होता है? कृष्ण पक्ष की एकम से प्रारंभ होता है। दूसरा प्रश्न बताइए, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को क्या कहेंगे? क्लियर है? कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। गुड, सबका आंसर आ रहा है, एकदम सही है। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को कहेंगे अमावस्या। उसके बाद में मेरा प्रश्न है, अमावस्या के बाद क्या प्रारंभ होगा? अमावस्या के बाद क्या प्रारंभ होगा? तो अमावस्या के पश्चात शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। फिर है मित्रों, शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को क्या आती है? तो शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा आती है। और माह समाप्त कब होता है, पंचांग समाप्त कब होता है, हर महीने का हर माह समाप्त कब होता है? तो पंचांग के अनुसार माह समाप्त कब होता है? वह होता है पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा को माह समाप्त होता है। क्लियर है? इतना अगर आपको समझ में आ गया हो, मैं वापस से रिपीट करता हूं जो अभी तक मैंने बताया है उसको रिपीट करता हूं। सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख त्योहार चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष शीर्ष पौष माघ फाल्गुन। क्लियर है? 12 महीनों के 12 त्योहार हो गए। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। मैंने बताया कि पूर्णिमा को फुल मून डे होता है, पूरा चंद्रमा दिखता है, और उसके पश्चात कृष्ण पक्ष शुरू होता है। कृष्ण पक्ष की 14 दिन 15वीं तारीख होती है अमावस्या। अमावस्या के पश्चात शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, और शुक्ल पक्ष की 1 से 14 तारीख शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा होती है। और यहां पे मैंने लास्ट में कुछ कंसेप्ट आपको बताए थे, कोई भी महाप्रारंभ पंचांग के अनुसार। ध्यान रखना मित्रों, धार्मिक मान्यता से नया काम, कोई भी नई चीज, वो शुक्ल पक्ष से प्रारंभ मानते हैं। हम अपने देवी देवताओं के कोई मंदिर जाते हैं, कोई लोक देवताओं के थान जाते हैं, तो कब जाते हैं? शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में नहीं जाते हैं, शुक्ल पक्ष में जाते हैं। जो नया चांद है, नया दिन है, वो हम किसको कहते हैं? शुक्ल पक्ष के दिनों को कहते हैं। लेकिन पंचांग के अनुसार कोई भी महीना प्रारंभ जो हो रहा है वो कृष्ण पक्ष की एकम से प्रारंभ हो रहा है, ये दिमाग में आपको फिट रखना है। लेकिन भारतीय नववर्ष चैत्र कृष्णा एकम को नहीं रहता है, चैत्र शुक्ला एकम को रहता है। अब हम आते हैं मित्रों प्रमुख त्योहार के ऊपर, गौर करिए। तो सबसे पहले त्योहार जो मैं आपका लेने वाला हूं वो है छोटी तीज। छोटी तीज, अब आप लोग कहेंगे साहब आपने महीना तो पहला बताया था चैत्र का, और छोटी तीज का त्योहार आप सबको पता है कब आती है? छोटी तीज श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। छोटी तीज आती है श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। देखिए, चैत्र शुक्ला एकम भारतीय नववर्ष प्रारंभ, महीना मैंने बताया चैत्र से प्रारंभ। अब मैं त्योहार टॉपिक पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, राजस्थान के प्रमुख त्योहार। प्रमुख त्योहार देखो, वैसे तो हर दिन त्योहार है, लेकिन प्रमुख जो इंपोर्टेंट जो त्योहार है जिनके ऊपर प्रश्न लगातार आते हैं, जो समझने की चीज है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो श्रावण शुक्ल तृतीया, ये त्योहार मैंने क्यों, यहां से क्यों शुरू किया ये बताइए मुझे, यहां से कौन शुरू किया? मित्रों एक चीज जरूर ध्यान रखना है, जो आपस में गपशप करते हैं फालतू में और इधर उधर की बातचीत करते रहते हैं, उनको जो है तुरंत हमारा एक बंदा बैन यूजर कर देता है, और हर लाइव क्लास के दौरान 5-6 बैन हो जाते हैं। और एक बार आप बैन हो गए, उसके बाद कभी भी सही कमेंट भी जो आपको वास्तव में क्वारी होगी वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर इतने सारे बैन यूजर को वापस वो ठीक करेगा नहीं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि क्लास में एकदम बने रहिए, और जितना पूछें उतना जवाब दीजिए। मतलब हमें एकदम ऐसा मुझे महसूस होना चाहिए कि मेरी लाइव क्लास में बच्चे जितने सीरियस सामने कक्षाओं में बैठे रहते हैं ऑफलाइन क्लास के दौरान, वैसे ही ऑनलाइन क्लास के दौरान आप लगातार बैठे रहें, क्योंकि हम स्टूडियो में लाइव हो रहे हैं।
और हमें आपकी तरफ पूरा एकाग्र होकर करना हो रहा है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स नहीं बैठे हैं अभी, आप ही हमारे स्टूडेंट्स हो जो ऑनलाइन बैठे हो सैकड़ों की तादाद के अंदर। इसलिए पूरा एकदम जज्बे के साथ क्लास अटेंड करनी है हमें, हमारी इतनी मेहनत जो दिन भर इतनी सारी टीम लग रही है तो उसको अप्रिसिएट करते रहना है। तो इसलिए कमेंट एकदम आपस में गपशप नहीं, फालतू की बातें नहीं, कोई जाति की बात करता है, कोई लड़का लड़की आपस में बात करता है, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज़ आज 9 से 9 बजे तक क्लास है, और बहुत सीरियस मैं आपका चाहता हूँ, दिन भर कितना आप सीरियस अटेंड करते हैं, जिन जिन की जो जो उपयोगी क्लास है उसको वो अटेंड कीजिए। देखिए श्रावण शुक्ला तृतीया को इसलिए त्योहारों का शुभारंभ माना जाता है, इसलिए पहला त्यौहार मैंने ये लिखा है मित्रों, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना। तो आपको पूछ ले त्योहारों का शुभारंभ कब होता है, तो छोटी तीज से, श्रावण शुक्ला तृतीया को छोटी तीज से त्योहारों का शुभारंभ होता है, इसी को श्रावणी तीज भी कहते हैं, श्रावणी तीज भी कहते हैं, क्लियर। और इसके रिलेटेड कुछ खास खास बातें, आरएस मुख्य परीक्षा में प्रश्न आया था मित्रों, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी घनघोर, तीज तिवारा या त्योहारा बावड़ी ले डूबी घनघोर, यह प्रश्न पूछा जा चुका है आरएस के अंदर। और इसके ऊपर एक इतना ही था आरएस में, आपको पता होगा मेंस के अंदर प्रश्न जब आता है तो केवल एक सटीक चीज आती है, कोई शब्द आ जाता है, कोई उक्ति आ जाती है और उसके बारे में लिखना होता है। तो यह प्रश्न आरएस में जब आया था, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी घनघोर, तो इसको जिसको ठीक लिखा था आंसर उसको यह लिखना था कि राजस्थान में छोटी तीज के साथ त्योहारों का शुभारंभ, और छोटी तीज कब आती है वो भी अगर ब्रैकेट में वो लिख देता है तो इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि श्रावण शुक्ल तृतीया। तो राजस्थान में छोटी तीज के साथ त्योहारों का शुभारंभ और गणगौर के साथ त्योहारों का समापन, और गणगौर के भी ब्रैकेट में अगर लिख दिया चैत्र शुक्ला तृतीया तो इंप्रेशन जाएगा कि उसको दोनों त्योहारों की तिथि भी याद है। छोटी तीज के साथ त्योहारों का शुभारंभ और गणगौर के साथ त्योहारों का समापन माने जाने के कारण यह उक्ति प्रचलित है। जरा बताइए छोटी तीज के दिन जो है कहां पर प्रसिद्ध सवारी निकाली जाती है, सबसे फेमस छोटी तीज का त्यौहार राजस्थान में कहां का है, मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, छोटी तीज का त्यौहार कहां से सबसे फेमस कहां का है। यस आज हल्ला बोल भाई, सुबह से बहुत एक्टिव है एकदम, लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं, लगते हैं कई बच्चों के पास में दो दो जियो की सिम है। मैक्सिमम बच्चों का जयपुर आंसर है, बूंदी भी कई लोगों ने दिया है, बूंदी मित्रों कजली तीज का मेला वहां का प्रसिद्ध है, छोटी तीज का उत्सव जयपुर का ही प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है आपकी, ये छोटी तीज के दिन जयपुर में तीज माता की प्रसिद्ध सवारी निकाली जाती है। आरटीडीसी का होटल तीज भी जयपुर के अंदर ही स्थित है। और मित्रों तीज और गणगौर से एक दिन पहले, प्रश्न सुनना मेरा, तीज व गणगौर के एक दिन पहले व्रत करने वाली स्त्रियों के लिए जो आभूषण मिठाई श्रृंगार के सामान इत्यादि उनके जो सास ससुर माता पिता लेके आते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रश्न मेरा समझ में आ गया। तीज व गणगौर से एक दिन पहले आपको पता होगा राजस्थान में पहली तीज जो है वो पीहर में मनाती है, और तीज और गणगौर से एक दिन पहले व्रत करने वाली स्त्रियों के लिए उनके माता पिता सास ससुर वस्त्र आभूषण मिठाई इत्यादि लाते हैं उसको क्या कहते हैं। वेरी गुड, कई बच्चों ने एकदम ठीक उत्तर दिया है, बहुत फास्ट कमेंट स्क्रॉल हो रहे हैं इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अजय सूरज वगैरह सबके अच्छे आंसर है, बिल्कुल सही है, सिंजारा कहते हैं, सिंजारा। ये भी प्रश्न पूछे जाने योग्य प्रश्न है, आपको आरएस मुख्य परीक्षा में पूछ सकता है, सिंजारा लिख के इसके ऊपर 20 वर्ड्स में टिप्पणी लिखने को बोल दे, तो कहेंगे कि राजस्थान में छोटी तीज व गणगौर से एक दिन पूर्व व्रत करने वाली स्त्रियों के लिए उनके माता पिता सास ससुर जो वस्त्र आभूषण श्रृंगार का सामान, सिंजारा बेसिकली श्रृंगार, श्रृंगार से बना है सिंजार, तो जो ले जाते हैं उसको कहते हैं सिंजारा, क्लियर है। छोटी तीज का त्यौहार हो चाहे गणगौर का हो, चाहे बड़ी तीज हो, चाहे करवा चौथ हो, ये त्यौहार आपको पता होगा कि किस लिए मनाया जाता है, तो कुंवारी स्त्रियां श्रेष्ठ पति के वरण के लिए, श्रेष्ठ पति उनको मिले इसके लिए करती है, और सुहागिनी स्त्रियां अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। तो ये पहला पहला त्यौहार हमारा छोटी तीज का, वो मैंने आपको अभी डिटेल से समझाया है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, छोटी तीज के पश्चात नेक्स्ट त्यौहार कौन सा, देखिए दूसरा, तो अभी नेक्स्ट छोटी तीज के बाद में जो प्रमुख त्यौहार है मित्रों वो है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन,
और रक्षाबंधन, जिसको कि श्रावण पूर्णिमा के दिन जो आता है रक्षाबंधन का त्योहार, बहन भाई का त्योहार है मित्रों। और रक्षाबंधन के दिन आपको पता है कि बहन भाई को राखी बांधती है, भाई बहन को उपहार देता है। इंद्राणी ने इंद्र को भी देवासुर संग्राम पर जाते समय रक्षा का सूत्र के रूप में राखी बांधी थी। और मैं जो आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ, राजस्थान का इतिहास अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में बताइए कि चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मावती ने गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय राखी भेजी थी मदद के लिए, वो किसको भेजी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर दीजिए। लाइव क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, किसको भेजी थी? कुलवंत सिंह का आंसर सबसे पहले आ गया है, और विक्रम, शैलजा, रिद्धि, बहुत अच्छा, सबने ठीक बताया एकदम। आप तो सब होशियार बच्चे हो भाई। तो हुमायूं ही सही आंसर है, हुमायूं को मदद के लिए राखी भेजी थी। और इसी को मित्रों नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। नारियल पूर्णिमा, समुद्र के किनारे जो है नारियल के पेड़ खूब रहते हैं इन दिनों में, उसकी भी पूजा अर्चना की जाती है, नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। और अमरनाथ यात्रा जो है, अमरनाथ यात्रा का रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन शुभारंभ होता है या समापन होता है, बताइए। अमरनाथ यात्रा का रक्षाबंधन के दिन शुभारंभ होता है या समापन होता है? शुभारंभ या समापन? अमरनाथ यात्रा पता है, पवित्र शिवलिंग होता है, बर्फानी शिवलिंग बनता है। हाँ, श्रवण कुमार की पूजा भी होती है आटे के लोहे बना के, बिल्कुल सही है, कुछ बच्चों ने अच्छा जवाब दिया है, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। अमरनाथ यात्रा जो है मित्रों, प्रारंभ जो होती है वो आषाढ़ पूर्णिमा को होती है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, गुरु पूर्णिमा को प्रारंभ होती है। और अमरनाथ यात्रा का समापन जो होता है वो श्रावण पूर्णिमा को होता है। इस दिन बर्फानी शिवलिंग बनता है पूरा, तो ये खास बात है, आपको ध्यान रखनी है। तो मित्रों श्रावण पूर्णिमा के साथ ही श्रावण पूरा हो गया, क्लियर? तो श्रावण पूरा हो गया, तो श्रावण के पश्चात अब क्या शुरू होगा? भाद्रपद शुरू होगा, क्लियर है? तो भाद्रपद जब स्टार्ट होगा, अब मैं भाद्रपद करके एक हेडिंग लगा देता हूं तो आपको आसानी रहे कि भाद्रपद के त्योहार जो है वो मैं बताना जा रहा हूं, भाद्रपद के त्योहार। और वो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को एक त्योहार आता है मित्रों, बड़ी तीज। बड़ी तीज को बूढ़ी तीज भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन सत्तू खाते हैं, सत्तू के लड्डू इत्यादि सत्तू खाते हैं, इसलिए सत्तूड़ी तीज भी इसी को कहते हैं, क्लियर? और कजली तीज के नाम से भी यही जाना जाता है, यही तिथि कजली तीज। कजली तीज के नाम से जो मेला भरता है, भी कुछ बच्चों ने जो गलत कमेंट कर दिया था, कजली तीज का त्यौहार भरता है बूंदी में। छोटी तीज जरा सरावणी तीज का वो भरता है खास जयपुर में, क्लियर? और इनकी तिथि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया। तो ये तीज का त्यौहार जो करती है, मैंने पहले बताया, सुहागिन स्त्रियां सुहाग की दीर्घायु के लिए करती है, जिससे उनसे लंबे समय तक कामकाज कराया जा सके, और कुंवारी कन्याएं श्रेष्ठ पति का वरण करने के लिए यह तीज त्योहार का व्रत करती है। चंद्रमा को देख के व्रत खोलती है रात्रि में, दिन भर व्रत रहता है। यह मारवाड़ का करवा चौथ के रूप में त्योहार जाना जाता है। मारवाड़ के अंदर एक त्योहार जो है बड़ी तीज का त्योहार, खास मारवाड़ का प्रसिद्ध है मित्रों। बड़ी तीज के दिन व्रत करने वाली स्त्रियां जो है वो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जो एक भोजन करती है, कलेवा करती है, उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, आपके 20 वर्ड्स का क्वेश्चन आरएस मेंस में भी आने लायक है और बाकी भी किसी में आ सकता है। मेरा प्रश्न है, बड़ी तीज के दिन मारवाड़ में व्रत करने वाली स्त्रियां जो सुबह सुबह भोजन करती है उसको क्या कहते हैं? आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, विनय ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, काफी बच्चों ने सही उत्तर दे दिया। धमोली इज राइट आंसर है, धमोली, धमोली, ध्यान रखना। धमोली के बारे में अगर आपको पूछ ले 20 वर्ड्स, आरएस मीन्स जिन्होंने लिखा है ना, उनको पता होगा, धमोली दे दिया, बेवाण दे दिया, पुष्टि मार्ग, पिछवई,
है ना, सांझी, ऐसे ऐसे शब्द दे देगा और उसके बारे में 20 वर्ड्स में लिखना है। तो धमोली क्या है, धमोली के बारे में बता दूं, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बड़ी तीज के दिन मारवाड़ में व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले जो भोजन करती है, जो कलेवा करती है, उसको धमोली कहा जाता है। क्लियर है? और इस दिन नीम की भी पूजा होती है, नीम, टीटो बीटो सबको याद होगा। नेक्स्ट, बड़ी तीज के दिन, ये हो गया बड़ी तीज के बाद में बात करते हैं मित्रों ऊब छठ। ऊब छठ, इसी को चंद्र षष्ठी व्रत भी कहते हैं और ये आती है मित्रों भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठ को, भादवे के कृष्ण पक्ष की छठ को ऊब छठ आती है। ऊब छठ का मतलब क्या हो गया, ऐसी छठ जिसमें उबा रहते हैं, उबा रहते हैं, उबा रहने का मतलब क्या है, खड़ा रहना, मारवाड़ी शब्द है, उबा रहना मतलब खड़ा रहना। तो ऊब छठ, तो ऊब छठ का त्योहार भी सुहागिन स्त्रियां सुहाग की लंबी उम्र के लिए करती है। क्लियर? ऊब छठ के त्योहार के दिन भी रात्रि में चंद्रमा को अर्घ लगा के व्रत खोला जाता है, उसके बाद भोजन किया जाता है। लेकिन ये त्योहार जो है ये छोटी तीज, गणगौर और करवा चौथ के त्योहार से भी थोड़ा सा इसमें एडिशनल और कठिन बात क्या है, उबा रहना। उबा रहना कब से उबा रहना, सूर्यास्त के पश्चात, सूर्यास्त के पश्चात मित्रों, इस त्योहार के दिन जो है सूर्यास्त के पश्चात व्रत करने वाली स्त्रियां खड़ी रहती है, बैठती नहीं है, बैठ गए तो व्रत टूट जाएगा, खड़ी रहती है, घूमती रहती है, मंदिरों में दर्शन करती है और फिर रात्रि में चंद्रमा दिख जाए तो फिर चंद्रमा को देखने के पश्चात फिर व्रत खोलेगी, फिर चंद्रमा को छींटे मीटे लगा के फिर व्रत खोलेगी। तो ये ऊब छठ का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठ को आता है और इसको चंद्र षष्ठी व्रत ये भी कहते हैं, ध्यान रखना। किसी बार अगर ऐसा हो गया चंद्रमा दिखाई नहीं, अगर ऐसा हो गया चंद्रमा दिखाई नहीं तो फिर क्या करेंगे, तो फिर सिस्टम ये है त्योहार के अंदर कि चंद्रमा न दिखे तो अगले दिन सुबह सूरज को देख के फिर व्रत खोलना पड़ता है, सूरज को देख के। आप में से जो भी मारवाड़ से जुड़े हुए हैं उनको अगर पता हो वर्ष 2006 के अंदर क्या हुआ था, वर्ष 2006 के अंदर रात भर तक चंद्रमा दिखा ही नहीं और अगले दिन सूरज भी जाके कब दिखा पता है, सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे सूरज जाके दिखा। हालत खराब हो गई कई तीजणियों की, कई की हालत खराब हो गई, हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ गया, रात भर भूखा रहे। अपने देखो त्योहार जो है ना, जैसे भारतीय संविधान जितना कठोर है उतना लचीला है, वैसे अपने त्योहार जो है जितने कठोर है उतने लचीले भी हैं। तो उस दिन रात्रि भर चंद्रमा दिखाई नहीं तो क्या करे, तो कई पति बेचारे बड़े परेशान हुए कि ऐसे पत्नी बेचारी रात भर खड़ी रहेगी तो इसका क्या होगा और इसका तो होगा जो होगा, अगले दिन हमारा क्या होगा, ऐसा सोच के कई पति बेचारे फोन किए, सत्य घटना पे आधारित बात बता रहा हूं मैं। तो कई पति फोन किए पंडितों को, पंडित जी बताइए क्या करें, रात भर खड़ी रहेगी तो क्या होएगा इसका, चंद्रमा तो दिख ही नहीं रहा है, बारिश आ रही रात भर। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए अगर ये झूले पे झूलते हुए सो जाए, बैठ जाए तो व्रत टूटा हुआ नहीं माना जाएगा, बैठा हुआ नहीं माना जाएगा। अब यार झूले पे बैठ गई तो बैठ गई ना, पर नहीं, वो पंडित जी के अनुसार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल गई जो भी है, तो ऐसा करके पंडित जी का ये एकदम वायरल हो गया मैसेज। तो अब पति बेचारे एकदम खुश हो गए और झूला तो हर घर में था नहीं, तो क्या किया कि पंखे के एक हुक से दूसरे हुक साड़ी लटकाई, भीतर पत्नी को बिठाया और पति बेचारा रात भर झूला दे रहा है, समझ गए। ये वर्ष 2006 की सत्य घटना बता रहा हूं। देखो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं आपके साथ भी हुआ क्या भैया, स्वयं पर घटित घटना नहीं बोला है, सत्य घटना बोला है, ध्यान रखिए। तो ये वर्ष 2006 में बताया मैंने। तो ऊब छठ नाम से स्पष्ट है मित्रों, उबा रहना मतलब खड़े रहना और छठ का मतलब होता ही छह है, तो भादवे की कृष्ण पक्ष की छठ को ऊब छठ आती है। क्लियर? इसी को चंद्र षष्ठी व्रत भी कहते हैं, हल षष्ठी भी यही है, ध्यान रखना, बलराम जी का जो जन्म दिवस जो है वो भी यही है। इसके पश्चात बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, और ये आती है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, भादवे की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी। क्लियर है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो इस दिन हुआ ही है, सबको पता ही है, और भगवान श्री कृष्ण तो पूरे भारत के देवता है, तो जो भारत स्तर पे, क्योंकि हम राजस्थान के वार त्यौहार पढ़ रहे हैं तो भारत स्तर के हैं, उनके प्रश्न राजस्थान के कंपटीशन में कम रहेंगे। तो मित्रों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और क्या खास बात है उसके ऊपर हम फोकस होते हैं।
तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दो और महापुरुषों का जन्म दिवस आता है, एक तो मित्रों जाम्बो जी का, जो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है, उनका जन्म दिवस इसी दिन आता है, और एक मांगल्या इष्ट जाति के देवता है मेह जी, उनका जन्म दिवस भी इसी दिन आता है। मेरा प्रश्न यह है कि जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था और मेहा जी का जन्म कहाँ हुआ था, दोनों की जन्म स्थली कौन मैसेज करेंगे, देखते हैं जल्दी से कमेंट कीजिए। जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ और मेहा जी का जन्म कहाँ हुआ। पर्वतसर नागौर में नहीं हुआ भैया, पर्वतसर नागौर में नहीं हुआ, गलत है, पीपासर नागौर बिल्कुल सही है। कई बच्चों ने आंसर दे दिया, जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ, पीपासर नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण लोक संत है, प्रश्न पूछ सकते हैं। अब फटाफट बताइए मेहा जी का कब हुआ, मेहा जी का कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, मेहा जी का जन्म कहाँ हुआ। पीपासर हो गया, पीपासर बापीणी गांव, राजेंद्र जी ने सही उत्तर दे दिया, बिल्कुल सही है। मेहा जी का जन्म जो मांगलिया इष्ट जाति के देवता है बापीणी गांव ओस या जोधपुर के अंदर पड़ता है मित्रों, यहां पर मेहा जी का जन्म हुआ था। क्लियर है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही जाम्बू जी का भी जन्म हुआ, भाद्रपद कृष्णाष्टमी के दिन ही मेहा जी का भी जन्म हुआ, और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मित्रों एक उर्स भी भरता है, और किसका उर्स, तो शक्कर पीर बाबा का उर्स, शक्कर पीर बाबा, शक्कर पीर बाबा का जो ये उर्स भरता है, ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मतलब भाद्रपद कृष्णाष्टमी को भरता है, ये तो मैंने बता ही दिया। प्रश्न मेरा है कहां भरता है, जीके चेक कर रहा हूं मैं आपका, शक्कर पीर बाबा या शक्कर पीर बादशाह का उर्स कहां भरता है। बिल्कुल दिनेश चौधरी जी सही बता रहे हैं, नरड के पीर खेल खेत गुजर भी सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही, एकदम नरड के पीर, बिल्कुल सही आप सब बता रहे हैं। तो इनको नरहड के पीर भी कहते हैं, और नरहड के पीर, और नरहड जगह कहाँ है, और नरहड जगह है चिड़ावा झुंझुनू में, चिड़ावा झुंझुनू, झुंझुनू, ठीक है। तो यहाँ पे शक्कर पीर बाबा का उर्स ये भरता है, बहुत भारी मेला आयोजित रहता है, सबको आपको पता है। अच्छा, मेरा प्रश्न यह है, आप में से कितने लोग उसका जवाब दे पाते हैं, अभी मैं चेक करता हूं। प्रश्न मेरा यह है कि उर्स होता क्या है, व्हाट इज उर्स, उर्स का शाब्दिक अर्थ बताओ, इसका शाब्दिक अर्थ कौन बताएगा। जितने लोग अभी लाइव से जुड़े हुए हैं सभी इसको लाइक करते रहे लगातार, जितने लोग हैं लाइक करते रहे, आपके दिन भर में आज कितने लाइक्स होते हैं उसके आधार पे हमें पता चलेगा कि आपको कक्षाएं पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी करते रहे। उर्स का शाब्दिक अर्थ देखो कितने लोग सही बताते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं मेला, विवाह, डेथ, ज्यादातर लोगों ने मेला उत्तर बताया है मित्रों, मेला आंसर गलत है, पर कई सारे बच्चों ने सही उत्तर भी बताया है, ये बहुत मेरे लिए अच्छी बात है कि आप काफी जानकारी रखते हैं, बहुत तैयारी के साथ मुझे आना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ। चलो, उर्स का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों मिलन या विवाह, ध्यान रखिएगा, कई लोगों ने मेला लिखा है नहीं होता है, मृत्यु लिखा है नहीं होता है, जन्म लिखा है नहीं होता है, उर्स का मीनिंग क्या होता है, उर्स का मीनिंग होता है मिलन या विवाह। अब मिलन या विवाह, लेकिन उर्स मनाया कब जाता है, उर्स मनाया जाता है कोई सूफी संत की मृत्यु के दिन मनाया जाता है, मृत्यु के दिन, ध्यान रखिएगा, और किसकी मृत्यु के दिन, सूफी संत की मृत्यु के दिन। तो फिर ये क्या चक्कर है, जरा सुनना, बहुत आध्यात्मिक और अच्छी बात है, कंसेप्ट की बात है, जरा दिमाग लगाना। आपने उर्स उर्स इतने सुने, ख्वाजा मुनिद्दीन चिश्ती का उर्स ना, अभी हमारे तन्ना पीर का उर्स जोधपुर में मंडोर के अंदर चल रहा है, तो उर्स आपने कहीं सुना होगा मित्रों। उर्स का मतलब यह है मिलन या विवाह। मिलन या विवाह में क्या होता है, दो दिलों का मिलन, नर नारी का मिलन, उनका विवाह। लेकिन यहां पे उर्स जो है ये सामान्य नर नारी मानव मानवी का मिलन नहीं है,
यहां पे उर्स का शाब्दिक अर्थ है मिलन या विवाह। क्या? तो मित्रों, कोई सूफी संत की मृत्यु के दिन उस सूफी संत की आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। आत्मा आज परमात्मा से मिल गई है, सूफी संत की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलन की, आत्मा का परमात्मा से विवाह हो गया, वो दोनों आपस में उनका गठजोड़ हो गया और इसलिए इसको खुशी के रूप में उनकी मृत्यु के दिन को मनाते हैं। तो पहले तो बताइए उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या बताया, मिलन या विवाह, नंबर वन। नंबर टू, उर्स मनाया कब जाता है? उर्स मनाया जाता है किसी भी सूफी संत की मृत्यु के दिन, और फिर किसी सूफी संत की मृत्यु के दिन उर्स मनाते हैं, उर्स का शाब्दिक अर्थ विवाह है। तो तात्पर्य क्या हो गया, तो कोई सूफी संत की मृत्यु के दिन उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। कोई भी सूफी काव्य, अभी पद्मावत आपने जो है जायसी का ग्रंथ अगर आपने पद्मावत पढ़ा है, जिसके ऊपर पद्मावती मूवी भी रही है, तो जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जो लिखा है उसमें पद्मनी और रतन सिंह का प्रेम जो है वो आम प्रेम नहीं है। पद्मनी और रतन सिंह का प्रेम, रतन सिंह और पद्मनी, ये दोनों यहाँ पे आत्मा और परमात्मा का मिलन है। रतन सिंह जो है वो आत्मा का प्रतीक है पूरे जायसी के पद्मावत के अंदर अगर आप गौर करेंगे, और पद्मावती या पद्मनी जो है वो परमात्मा का प्रतीक है, आत्मा और परमात्मा। तो प्रकारांतर से वो इसको कहा भी गया, मैं एमए हिंदी से हूं तो हमें पता भी है, इसको कहा भी गया है ये इसके मजाजी से इसके हकीकी का काव्य है। इसके मजाजी मतलब धरती के मौजूद लोगों का काव्य, और इसके हकीकी मतलब हकीकत का प्रेम। तो खैर बहुत ज्यादा आप गहराई में मत जाइए, कुल मिला के यह है कि शक्कर पीर बाबा या शक्कर पीर बादशाह का उर्स भरता है चिड़ावा झुंझुनू में। कब भरता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है। और चूंकि आपको इतना सारा उर्स पता है तो उर्स का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए, कोई भी सूफी संत की मृत्यु के दिन ये भरता है, लेकिन तात्पर्य उसका विवाह या मिलन होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे मित्रों आती है गोगा नवमी। गोगा नवमी कब? तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है गोगा नवमी। गोगा नवमी के दिन मेला कहां भरता है? दीजिए जवाब जल्दी से। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी, गोगा नवमी, गोगा जी चौहान थे, गोगा जी के मंदिर में एक हिंदू पुजारी एक मुस्लिम पुजारी 15-15 दिन पूजा करते हैं, नागों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था, सबको पता है। मैं पूछ रहा हूँ गोगा नवमी के दिन मेला कहाँ भरता है? आशीष ने सबसे पहले उत्तर दे दिया है, बिल्कुल ठीक है भाई, लगभग सबका उत्तर एकदम राइट है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में मेला भरता है, गोगा मेरी हनुमानगढ़। और गोगा मेरी को मित्रों धड़ मेरी या धुर मेरी भी कहा जाता है, धुर मेरी या धड़ मेरी। मित्रों मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करते हुए गोगा जी, लोक देवता गोगा जी का शीश जो है वो उनके जन्म स्थल वाली जगह पे ददरेवा चुरू में गिरा था, और चूंकि यहाँ पे शीश गिरा था इसलिए इसको शीश मेड़ी या शीर्ष मेड़ी कहते हैं। और बगैर धड़ के भी गोगा जी लड़ते रहे थे, और गोगा जी का धड़ जाके गिरा था ये नोहर हनुमानगढ़ के अंदर, ये गोगा मेड़ी नोहर में आता है, नोहर हनुमानगढ़ में, और इसलिए इस स्थल को कहते हैं धुर मेड़ी या धर मेड़ी या धड़ मेड़ी। तो ददरेवा और धुर मेड़ी दोनों आपको स्थान ध्यान में रखने, दिमाग में डालने। नेक्स्ट त्यौहार आता है मित्रों बच्छ बारस। एक एक त्यौहार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और क्रम से मैं बता रहा हूं सारे त्यौहार। बच्छ बारस का त्यौहार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की बारस को आता है। ये बच्छ शब्द जो है ये वत्स का बिगड़ा हुआ रूप है, मतलब वत्स का अभ्रंश है बच्छ। इसका एक तात्पर्य होता है मित्रों पुत्र, और एक तात्पर्य बछड़ा भी होता है। हिंदी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, या अनेकार्थक शब्द है। वत्स एक तात्पर्य पुत्र, एक तात्पर्य बछड़ा। बच्छ बारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है, नंबर वन। और दूसरी, इस दिन गाय की उसके बछड़े सहित पूजा की जाती है। तो ये दो प्रमुख बातें हो गई। इस दिन मित्रों भोजन के अंदर चाकू से कटी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, कुछ भी चाकू से कटी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते। अलग से प्रश्न पूछ लेंगे किस त्यौहार के दिन भोजन में चाकू से कटी वस्तुओं का प्रयोग वर्जित है, तो बच्छ बारस के दिन। इस दिन मूंग मैठ गेहूं युक्त अंकुरित भोजन जो है, चने युक्त अंकुरित भोजन ग्रहण किया जाता है, और
दूसरी खास बात बछबारस के दिन की यह है कि गाय के दूध से बनी वस्तुओं का सेवन भी इस दिन नहीं किया जाता है, क्योंकि गाय और उसकी बछड़े की पूजा होती है और उस दिन गाय का दूध उसके बछड़े के लिए, भाई ये मान्यता है। तो ये बछबारस का त्यौहार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की बारस को मनाया जाता है, क्लियर। उसके बाद में बारस चल रहा है तो कृष्ण पक्ष पूरा हो जाएगा, और भादवे के दिन अमावस्या सत्या अमावस्या मनाई जाती है। भादवे की अमावस्या आपको पता ही है, रानी सती का मेला जो यहाँ पे भरता था, लेकिन 1987 के देवराला सती कांड के पश्चात सती प्रथा महिमा मंडल उनके मेले इत्यादि सब पे रोक लग चुकी है, लेकिन फिर भी आपको भाद्रपद अमावस्या को सत्या अमावस्या आती है इतना आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर, सत्या अमावस्या। अब बात करते हैं मित्रों बाबरी बीज, लोक देवता बाबा रामदेव जी की जयंती, बाबा रामदेव जी की जयंती मतलब जन्म का दिवस हो गया, और ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ठीक कर देता हूं, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बाबा रामदेव जी की जयंती मनाई जाती है। लोक मान्यता के अनुसार बाड़मेर के उंडू काश्मीर गांव में अजमल जी तंवर के यहाँ द्वारिकाधीश कृष्ण के अवतार के रूप में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था, ध्यान रखिए। तो बाबा रामदेव जी की जयंती भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आती है, और इस दिन मेला जो भरता है रामदेवरा जैसलमेर में मेला भरता है, रामदेवरा जैसलमेर में मेला भरता है, क्लियर। आरएस में प्रश्न आया था कि ये रामदेवरा के अंदर जो बाबा रामदेव जी का मेला भरता है वो किस कारण से अपना प्रमुख स्थान रखता है। मेरे इष्ट देव हैं बाबा रामदेव जी, आप में से भी जिनके इष्ट देव बाबा रामदेव जी हैं, और बहुत क्योंकि मेरे इष्ट देव आप सबके मेरे माध्यम से हो ही गए, तो एक बार राम सा पीर की जय जय बोल दो एक बार सब लोग, राम सा पीर की जय बोल दो फटाफट से, तो सब बढ़िया काम हो जाएगा एकदम। ठीक जी, सबका आ गया कमेंट आ गया। तो बात मैं जो करना चाह रहा हूं कि ये मेला किस कारण से अपना प्रमुख स्थान रखता है, किस कारण से प्रमुख स्थान रखता है, सांप्रदायिक सद्भाव के कारण प्रमुख स्थान रखता है। मित्रों इस मेले के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों बड़ी संख्या के अंदर पहुंचते हैं, हिंदुओं के लिए ये रामसा वीर है तो मुसलमानों के लिए भी ये रामसा पीर है। ये फेसबुक पे सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम इतने लगे रहते हैं, असली में जाके हम देखें धरातल के ऊपर तो इतना प्रेम विद्यमान है आज भी कि आपको विश्वास नहीं होगा। हमारे जोधपुर के अंदर ही जो इतने सारे जातरू आते हैं पैदल यात्री, पावटा पे हमारे मित्र हैं अयूब खान जी, वो अपने पूरे मुस्लिम समाज के बंधुओं के साथ में जो जातरू लोग हैं उनके पैरों की मरहम पट्टी करते हैं, उनके छाले दूर करते हैं, उनकी पट्टी लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, इतनी जबरदस्त वो सेवा करते हैं। तो ये आरएस में पूछा गया प्रश्न है कि रामदेवरा जैसलमेर के अंदर जो ये मेला भरता है ये किस कारण से अपना प्रमुख स्थान रखता है। तो मित्रों रामदेव जी का ये मेला रामदेवरा, रामदेवरा जिसका प्राचीन नाम रुणेचा, रुणिया कुएं के किनारे रामदेव जी ने अपनी नई राजधानी बसाई थी इसलिए इसको रामदेवरा कहा गया। तो ये रामदेवरा का मेला सांप्रदायिक सद्भाव के कारण अपना प्रमुख स्थान रखता है, क्लियर। तो ये भाद्रपद अमावस्या ध्यान रखना है सबको। उसके बाद बात करते हैं मित्रों इसी के 2 दिन बाद में गणेश चतुर्थी, गणेश चौथ, इसी को चतरा चौथ भी कहते हैं, चतरा चौथ आरएस में आया हुआ प्रश्न है, और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, क्लियर। तो ये गणेश चतुर्थी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जाहिर सी बात है भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय विनायक, कई बार अलग अलग तरीके से प्रश्न आ चुका है, सब इंस्पेक्टर प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के अंदर विवाह के अवसर पर पहला निमंत्रण पत्र कहां पर भेजने की परंपरा है, शादी की पहली कुमकुम पत्रिका। तो गणेश जी का मंदिर, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर कौन सा है, कमेंट में जल्दी से जवाब दीजिए, सबसे प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर राजस्थान का कौन सा है। सुनील वैष्णव जी, हरिप्रसाद जी सब अभी रामसा पीर की जय बोल रहे हैं, जय हो भाई जय हो, रामसा पीर आप सभी का भला करे। सवाई माधोपुर, नाम बताओ मंदिर का भाई, रणथंभौर भी आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, मंदिर का नाम क्या है, किस कारण से खास है वो मंदिर, ये बताओ आप सब।
अभी तक नाम ही नहीं आ रहा। हाँ, दो तीन बच्चों ने नाम करे हैं मित्रों। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यहाँ पे गणेश जी की स्वयंभू प्रतिमा है। रणथंबोर के किले के अंदर ये मंदिर स्थित है और तीन आंखों वाला गणेश जी का मंदिर है, इस कारण से खास है। जैसे कि बीकानेर में हेरम गणपति मंदिर है, वहां पे गणेश जी शेर पर सवार है, सिंगारूढ़ गणपति मंदिर है, इसलिए वो खास है। तो गणेश जी का ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंबोर सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, क्लियर है। और ये प्रथम पूजनीय देवता है, प्रथम पूजनीय। आरटीडीसी का होटल विनायक पूछ ले कहां पर है, जैसे आरटीडीसी का होटल तीज मैंने बताया था जयपुर में है, विनायक जो है वो रणथंबोर के अंदर है, आरटीडीसी का होटल विनायक। तो गणेश चतुर्थी के दिन ही पहला निमंत्रण पत्र गणेश जी को भेजने की परंपरा है। बहुत प्रसिद्ध गणेश उत्सव आपको पता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर ये प्रारंभ किया था, और आजकल सब जगह पे बड़े धूमधाम से जो है गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम ऋषि पंचमी का त्यौहार लेके। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी आती है मित्रों भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी। भादवे की शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो ऋषि पंचमी का त्योहार आता है मित्रों, ये जाने अनजाने हुए पापों को धोने के लिए, जाने अनजाने हुए पापों का प्रक्षालन के लिए ये व्रत किया जाता है। जाने अनजाने हुए पापों को धोने के लिए ये व्रत किया जाता है, क्लियर है। तो ऋषि पंचमी का व्रत जो है जाने अनजाने हुए पापों को धोने के लिए किया जाता है, सबको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी दिन माहेश्वरी व कायस्थ समाज के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। तो एक तो रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, आपको पूछ ले श्रावण पूर्णिमा के अलावा रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, तो माहेश्वरी व कायस्थ समाज के लोग ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन जो है वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, क्लियर है मित्रों। अगले त्यौहार जो है मैं कल आपको और पढ़ाने वाला हूँ, कल मैं आपके समक्ष त्यौहार टॉपिक कंटिन्यू करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी कई टॉपिक मैं मिक्स में भी चर्चा करूँगा, कभी कोई चित्रकला, कोई लोक देवता प्रमुख लेके, और आर्ट कल्चर लगातार मैं चाहूँगा कि मैं आपके बीच में आर्ट कल्चर की क्लासेस लगातार लेके आऊँ। मित्रों इन दिनों के अंदर आपको हमें एक विशेष प्रकार का आशीर्वाद, दुआएं देनी है, क्योंकि तो आपने गौर किया होगा कि YouTube पे कुछ लाइव क्लासेस चलती है, तीन चार चैनल्स हैं जो YouTube पे लाइव क्लासेस चलाते हैं कुछ कुछ घंटे, कई कई लोग दिन भर भी चलाते होंगे, लेकिन जनरली वो बैंक SSC के लिए फोकस हैं और बेसिकली वो कोचिंग सेंटर्स नहीं हैं। अगर आपने गौर किया हो, कोचिंग सेंटर लेवल पर लाइव क्लासेस चलाने का काम वो केवल हमने किया है, और पूरे भारतवर्ष में अपना ये अनूठा नया और अद्भुत प्रयोग करने का प्रयास आपके सबके विश्वास और स्नेह के कारण किया है। अब आपका दायित्व तो बनता है कि अपना YouTube चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, इसको लाइक करें। ये शेयर और लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेरे दिन भर में और जो साथी लोग जो आपके बीच में आके लेक्चर्स देने वाले हैं, इतनी मेहनत के साथ में आएंगे, आप तो ये तो मान के चलेंगे कि कोचिंग क्लास के अंदर लेक्चर देने से ज़्यादा टेढ़ा काम, ज़्यादा मेहनत का काम स्टूडियो में ऐसे रूबरू क्लास देना है, और वो भी लाइव। एक लाइव का एक अलग टाइप का प्रेशर रहता है, या कुछ फैक्ट वगैरह इधर उधर हो गया कर गया तो बच्चे क्या सोचेंगे लाइव के दौरान कि देखो इनको कुछ आता नहीं है, कम आता है। तो इन प्रेशर के साथ में इतनी मेहनत करके सारे टीचर्स दिन भर में आएंगे, और हमारा 12 घंटे चलाने की योजना है, हमारा प्रोडक्शन का स्टाफ पूरा उसमें लगा हुआ है, तो उसमें आप लोगों की दुआएं चाहिए। आप भी अपने इष्ट देवी देवताओं से हमारे लिए दुआएं कीजिए कि ये जो हम 12 घंटे की लाइव क्लासेस आपके बीच में सुबह 9 से रात को 9 आज शुरू किए हैं, वो ईश्वरी कृपा से कंटिन्यूअस चलते रहें। मैं भी अपने इष्ट देवी देवता से, राम सा पीर सहित सभी मेरे महादेव का मैं प्रमुख भक्त हूँ, मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमें वो शक्ति प्रदान करे कि हम विद्यार्थियों के लिए जो घर बैठे हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई कारण से कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, ईश्वर की दया से हजारों विद्यार्थी हमारे पास है, और जोधपुर के अलावा हमें कहीं पे भी कोचिंग सेंटर नहीं खोलना है, ना हमें ऑनलाइन क्लासेस चलानी है, उसकी कोई मार्केटिंग नहीं करनी है। तो ये केवल विद्यार्थियों की सेवा करने के लिए, बाकी स्टूडेंट्स जो आप जुड़े हुए उनको पता है विद्यार्थियों की भगवान दया से कोई कमी नहीं हमारे पास,
और हमें कोई और जगह पे ना तो फ्रेंचाइजी देनी है, ना ऑनलाइन क्लास की फ्रेंचाइजी देनी है, ना कोई और काम करना है। तो मित्रों, आपकी सेवा हम लगातार करते रहें, ये शक्ति, ये आशीर्वाद जो है आप हम सभी को, हमारे पूरी प्रोडक्शन टीम को आप प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लाइव क्लासेस को पसंद कर रहे हैं, अभी अगली क्लास शिखा मैडम राजस्थान के भूगोल पे लेके आ रही हैं, और संगणक, सूचना सहायक, RS, सेकंड ग्रेड, सबके ऊपर क्लासेस इन दिनों के अंदर रहेगी। आप सभी इसी प्रकार से बने रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, इसको लाइक करते रहें। जय हिंद, जय भारत। Click on the to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never